एक प्रश्न मुझसे बहुत कॉमनली लोगों ने पूछा है कि क्या रिलेशन है मॉर्बिड ओबेसिटी या ओवरवेट या ओबेसिटी और COVID-19 इन्फेक्शन में। तो अभी एक ऐसा समय चल रहा है जब COVID-19 इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ऐसे समय में ऐसे लोग जो ओवरवेट हैं या जो ओबीज हैं या जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी है, ऐसे लोगों को क्या कोविड इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ओवरवेट हैं या ओबीज हैं या मॉर्बिडली ओबीज हैं या जिन्हें गंभीर मोटापा है, उनको COVID-19 इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? अब इसको मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ। हमारे शरीर में जो फैट सेल्स होते हैं, जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें से एक रिसेप्टर होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर, जो कि एडिपोसाइट्स के ऊपर या फैट सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसा पाया गया है कि COVID-19 डिजीज़ जो है, उसका जो SARS-CoV-2 वायरस है, ये वायरस इन रिसेप्टर्स को, जिनको मैंने अभी आपको जिनका नाम बताया है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग 2 रिसेप्टर्स, जो हमारे फैट सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इनसे इनका बहुत लगाव होता है इन वायरसेस का। तो SARS-CoV-2 वायरस की एफिनिटी या उसका लगाव जब इन रिसेप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फैट सेल्स को बहुत जल्दी अटैक करते हैं। यही कारण है कि ओबीज लोगों में कोविड इन्फेक्शन या COVID-19 इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण, लंग्स का अफेक्ट होना। आप सबको पता है कि ओबेसिटी में या ओवरवेट होने में हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि फेफड़ों में उस तरह से ऑक्सीजन का बहाव नहीं होता, क्योंकि उस तरह से डायफ्रामेटिक मूवमेंट या सांस लेने की मसल्स काम नहीं कर पाती हैं ओबीस पेशेंट्स में। वो अपने आप में निमोनिया का कारण बनता है और उससे COVID-19 इन्फेक्शन बढ़ता है। नंबर तीसरा कारण ओबीस पेशेंट्स में इस इन्फेक्शन बढ़ने का है कि हमारे शरीर में किसी भी कीटाणु से लड़ने की, किसी भी वायरस से लड़ने की दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी जो हमें बचपन से मिलती है, जिसको हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, और एक ऐसी इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति में एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी दोनों ही कम होती हैं, क्योंकि लिम्फॉइड ऑर्गन या वो ऑर्गन शरीर में जो कि इम्यूनिटी के रिलेटेड सेल्स को बनाता है, वहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, और इस कारण से इन व्यक्तियों में जिनमें मोटापा होता है, किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। ये उदाहरण आज का नहीं है। H1N1 इन्फ्लुएंजा का अटैक 1916 और 1920 के बीच में जब हुआ था, तब भी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर मोटापे के से ग्रसित लोगों की ही थी, उन्हीं में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई थी। अगर आप कंपेयर करेंगे इटली में या अमेरिका में, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जिन स्टेट्स में या जिन रीजन्स में 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों की मात्रा ज़्यादा थी, ओबीज व्यक्तियों की मात्रा ज़्यादा थी और डायबिटिक व्यक्तियों की मात्रा ज़्यादा थी, वहीं पर इस बीमारी का सबसे ज़्यादा प्रकोप हुआ है। इन शॉर्ट, यदि आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं या मॉर्बिडली ओबीज हैं, जिसे हम गंभीर मोटापा कहते हैं, तो अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि COVID-19 इन्फेक्शन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जिन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबसे हाईएस्ट रिस्क फैक्टर बताया है, उसमें एक ओबेसिटी भी है।